Okay, Yash, are you ready to play the drums at 5 p.m.? Are you ready to clap your hands? Oh, he's not so ready. And what about you? Are you ready? Yes. Are you ready now? Hi. Okay, lovely. We're ready. और अगर आप बाहर हैं तो किसी बहुत बहुत ज़रूरी काम से होंगे, क्योंकि अभी हम सब का खुद पे खुद से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरा बाहर जाना ज़रूरी है, क्या मेरा बाहर जाना सुरक्षित है मेरे लिए, आसपास के लोगों के लिए। आप पूछ रहे होंगे कि मैं इतना सवाल क्यों कर रहा हूँ। बताता हूँ, मुंबई एयरपोर्ट पर लोग जो सफ़र से लौटे हैं, जिनका एयरपोर्ट पर टेस्ट किया जा रहा है, जो कोरोना टेस्ट में लो रिस्क कैटेगरी में हैं, उन्हें एक स्टैंप लगा के होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है या होटल भेजा जा रहा है, ये समझा के कि 2 हफ्ते सोशल डिस्टेंस बना के रखें एज अ प्रिकॉशन अपने लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए। लेकिन बिलीव इट और नॉट, होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगाने के बावजूद इनमें से कुछ यात्री ना सिर्फ शहर में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, छुट्टियों पर जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं। किस तरह की सोच है, क्या मानसिकता है, क्या समझ नहीं आ रहा लोगों को? भाई साहब, बहन जी, कोरोना वायरस छुट्टी पर नहीं, काफ़ी जोर शोर से काम कर रहा है, ओवरटाइम कर रहा है, इस रेस में वो आगे चल रहा है, लेकिन रेस अभी बाकी है, जीता नहीं है कोई। हम जीत सकते हैं, हमें जीतना ही होगा। अगर आप इस रेस को जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्टर्स, नर्सेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, पुलिस, कई ऐसे लोगों की मेहनत को यूं रेस के बीच लंगड़ी ना मारे। ये पहली रेस, पहली ऐसी रेस होगी दुनिया में जिसमें सबसे पहले रुकने वाला रनर जीत जाएगा, ना सिर्फ खुद जीतेगा बाकी सबको जिताएगा। इस रेस में सब साथ जीतेंगे या फिर सब साथ हारेंगे। बीएमसी इस स्टैंप को जो हाथों पे लगाती है, इस स्टैंप को बैज ऑफ ऑनर कहती है, बैज ऑफ ऑनर, क्योंकि आप ना सिर्फ खुद को सुरक्षित कर रहे हैं बल्कि बाकी कईयों की जान बचा रहे हैं। जान बचाने वाले का सम्मान तो होना ही चाहिए, इस सम्मान का अपमान ना करें आप लोग। कुछ हफ्तों की बात है, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। किसी ने सोच समझ के ही कहा था, जान है तो जहां है, सोचिए और समझिए। नमस्कार। Hi everyone, I know it's an unsure time for all of us, but hope you're doing okay. We're sending you positive vibes. And let's just take care of each other, and I hope everyone is safe out there. Just lots of love. Namaskar. Duniya bhar mein coronavirus ne apna bura saaya dala hua hai. Is kathin samay mein agar hum aur aap ek hon, ek saath hon, to is mushkil ko rukna hoga, palat kar jana hoga, harna hoga. KM aur Kasturba Hospital पूरी तरह से तैयार हैं इसके खिलाफ। अपनी परवाह ना करते हुए एयरपोर्ट्स पर भी डॉक्टर्स की टीम हर एक आने वाले की जांच में लगी हुई है। ये सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हमें बस इनका साथ देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी एहतियात बरतनी है बस। हम जहां पर भी हैं, काम पर, घर में, अपने हाथ रेगुलरली धोते रहिए। अगर छींक आए तो अपने मुंह को हाथ से कवर कीजिए। हो सके तो आने वाले 15 दिनों में किसी भी भीड़ वाली जगह पर ना जाएं। बेहतर है आप लोग सब अपने घरों में ही रहें। अगर आपके आसपास किसी को खांसी, बुखार या सुकाम है तो उनसे कुछ फीट की दूरी बनाए रखें। याद रखिए, खुद की सुरक्षा के लिए सावधानी किसी एक को नहीं, हम सबको करनी होगी।
Namaskar. I appeal to all the people to avoid public places and to avoid commuting by trains and buses if not absolutely necessary. The next 10 to 15 days are extremely, extremely crucial. To fight this crisis, the government and the citizens have to put up a strong joint front. So I appeal again, please do not panic. Please be careful about misinformation and please follow the instructions and guidelines issued by the state government. We know we're all going through a very difficult time. And the only way to stop the spread of coronavirus is by acting together. We are staying at home for our safety and for everyone else as well. And you should do it too, to prevent the further spread of the virus. Let's make it safe for us and everyone else. Namaste, assalamu alaikum, sat sri akal, kaim cho. Mera naam hai Salman Khan. Pehle to un sab ko thank you kehna chahunga main jo ke अभी तक के काम कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ में काम कर रहे हैं और फिर पुलिस वाले हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हैव डेडिकेटेड देयर टाइम टू कोरोना. तो थैंक यू वेरी वेरी मच. अब अपील ये है कि जो गवर्नमेंट है ये आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए बोल रही है, तो इसको सीरियसली लो. अफवाहें मत फैलाओ. ये हमेशा से एक प्रॉब्लम है कि सबको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा. ये कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है. बस में, ट्रेन में, मार्केट में, हर जगह. तो काय कोई पंगे ले रहे हो बाहर जाना. ये पब्लिक हॉलिडे नहीं है भाई, ये बड़ा सीरियस मामला है. ये सब बंद करो, मास्क पहनो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, हाथ धो, साफ सुथरे रहो, लोगों से दूर रहो. ये सब करने में क्या दिक्कत है आपको? अगर किसी की जान बच रही है, जाने बच रही हैं, सैकड़ों जाने बच रही हैं आपकी खुद की, तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? करो यार, ये जिंदगी का सवाल है, करो ये.